हम करने लगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि मूवमेंट ऑफ अ फोर्स, और इसको हम टॉर्क भी बोलते हैं। स्टूडेंट देखो, फोर्स तो अभी हम जितना भी लगा रहे थे वो एक स्ट्रेट लाइन में चीज को क्या करा रहा था, मूव करा रहा था, ठीक है, यानी कि ट्रांसलेशनली मोशन हो रही थी उसमें। अब हम देखने लगेंगे किस तरह जो फोर्स है वो ना सिर्फ ट्रांसलेशनली मोशन का सबब बनता है, बल्कि फोर्स एक रोटेशनल का भी सबब बनता है, ठीक है, किसी चीज को रोटेट भी करा सकता है वो। और जब वो रोटेट होती है फोर्स, किसी एलिमेंट किसी भी चीज की मोशन को जब वो रोटेट कर रही होती है तो वो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, वो टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। देखो, द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन अ बॉडी, कोई भी बॉडी के अंदर कोई भी टर्निंग इफेक्ट का हम प्रोड्यूस कर देना, ठीक है, गोल गोल घुमाना प्रोड्यूस कर देना, उस चीज को हम क्या कह देते हैं, और कहां अबाउट फिक्स पॉइंट। ये बहुत जरूरी है कि जब भी वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा तो एक फिक्स पॉइंट पे होगा। जिस तरह अगर आपने कभी नेट खोला हो तो नेट खोलना और जब बंद कर रहे होते वो एक फिक्स पॉइंट पे नेट बंद और खुल रहा होता है, इट क्लियर, ओके। और कब, जब हम कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करें जो मैंने पहले बता दिया, तो इस चीज को हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स, या फिर इसको हम टॉर्क भी बोलते हैं। अगर हम इसकी फॉर्मूले के एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल इसमें हमारे पास क्या आता है, जब भी हम डोर को ओपन करते हैं, ठीक है, ओपनिंग ऑफ डोर, ठीक है, ओपनिंग ऑफ डोर, या जब भी अगर आप नेट को खोलते हैं, ठीक है, कोई भी नेट, जिस तरह से हम नेट खोलते हैं, तो इस सब में हमारे पास क्या हो रहा होता है, जो फोर्स होता है वो उस बॉडी को रोटेट करा रहा होता है, टर्निंग इफेक्ट मींस के वो टॉर्क वहां पे मूवमेंट ऑफ फोर्स हो रही है, इज इट क्लियर, ओके। अगर हम फॉर्मूले की बात करें स्टूडेंट, तो टॉर्क का जो सिंबल है वो कुछ इस तरह का है टी, और ये इक्वल होगा स्टूडेंट हमारे पास किसके, डी क्रॉस एफ के, इज इट क्लियर, ओके, डी क्रॉस एफ डन। अच्छा, ये दोनों ही हमारे पास वेक्टर है। डी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, बिटवीन टू पॉइंट कहां पे, एक ये वाला पॉइंट जो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा जहां वो नेट खुल रहा होगा, और दूसरा ये वाला एंड, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट हमारे पास क्या होता है, एक डिस्प्लेसमेंट होता है, देन ओके, और फोर्स ही तो उसका सबब बन रहा है उसको रोटेट करने का, तो फोर्स भी ऊपर लग रहा है, फोर्स खुद भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पे दो हमारे पास क्या हो रही है, ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर, और बीच में लगा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये होता है स्टूडेंट, बाज दफा हम डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं, बाज दफा हम क्रॉस लगाते हैं। अभी आप सिर्फ इतना सुन रहे, जब हम बीच में क्रॉस लगाते हैं तो उसका मतलब ये होता है जो थर्ड यहाँ पे चीज आ रही होती है वो भी एक वेक्टर ही होगी। तो जब भी हम दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं, जो थर्ड एलिमेंट बनता है वो भी एक वेक्टर होता है। और जब भी हम लाइक वर्क का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वो होता है एफ डॉट डी। अब जब हम डी लगा, ये भी हमारे पास वेक्टर था, ये भी वेक्टर था डिस्प्लेसमेंट, और ये भी वेक्टर है फोर्स भी, यहाँ पे क्या था वेक्टर था, लेकिन जो वर्क खुद है वो स्केलर है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमें ये बता रहा है कि दो वेक्टर तो मल्टीप्लाई हुए लेकिन जो थर्ड क्वांटिटी आई है हमारे पास वो एक स्केलर है, तो उसकी डायरेक्शन नहीं होगी। लेकिन इस सिचुएशन में स्टूडेंट हमारे पास यहाँ टॉर्क की क्या होगी, एक डायरेक्शन होगी, इज इट क्लियर, डन, ओके। वो हम आगे डिस्कस करेंगे आगे वाले ग्रेड्स में कि कहाँ डायरेक्शन होगी, राइट हैंड रूल किस तरह उसको हम फाइंड आउट करेंगे इस डायरेक्शन को, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले, लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा। फिलहाल सिर्फ ये रखो कि क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहाँ पे ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये कौन सी क्वांटिटी, एक वेक्टर, इसका मतलब है इस टॉर्क की कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, ठीक है, और बाय राइट हैंड रूल हम निकाल सकते हैं, पर अभी वो हम नहीं डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यूनिट, यूनिट की अगर हम बात करें स्टूडेंट, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हम किस में लेते हैं स्टूडेंट, वो हम मीटर में कैलकुलेट करते हैं उसका सही यूनिट, और जो फोर्स है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। तो इसका यूनिट हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया कि हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, इज इट क्लियर, ओके। अब हम देखते हैं इस फॉर्मूले को मजीद थोड़ा खींचते हैं, और इसी तरह आपने एक्सप्लेन करना है पेपर में, ठीक है। देखो स्टूडेंट, अगर हमारे पास यहाँ पे इस टॉर्क का देखूं मैं, तो ये टॉर्क है इस टाइम पे स्टूडेंट, इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके साथ, इस डी के साथ, यानी कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बढ़ाऊं, डिस्प्लेसमेंट इसका स्ट्रेस के हैंडल का, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बढ़ाऊंगा तो स्टूडेंट जो टर्निंग इफेक्ट होगा ना, घूमने का इफेक्ट, टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो भी ज्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है इसके साथ, डन। इसी तरह अगर मैं देखूं तो टॉर्क का डायरेक्ट ही रिलेशनशिप है किसके साथ स्टूडेंट, फोर्स के साथ। अगर मैंने फोर्स बढ़ाई तो जो टर्निंग इफेक्ट होगा ऑब्वियसली बात है वो भी क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगी, क्लियर। अच्छा, और अगर मैं यहाँ पे वाइस वर्सा आपने इस तरह करके लिख देना है, अगर मैं ये बहुत ही छोटा ले लूं यहाँ पे रेंच, और नेट बहुत बड़ा है, और जो रेंच का जो ये हैंडल का जो साइज है, ठीक है, ये यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, जिसको हमने दूसरा नाम होता है मूवमेंट ऑफ आर्म, इसको इस हिस्से को हमने एक नाम दिया हुआ है और उसका नाम है मूवमेंट ऑफ आर्म, ठीक है।
अगर मोमेंट ऑफ आर्म का जो डिस्टेंस होगा बहुत कम होगा तो हम नेट नहीं खोल पाएंगे, लेकिन अगर मोमेंट ऑफ आर्म का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो हम इजीली कम फोर्स से क्या कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े जो है ट्रक के नेट भी खोल लेते हैं, क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ आर्म बहुत बड़ा होता है उन रेंच के। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके डन। अच्छा, अब यहाँ पर मजीद इस रेंच को अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर भी सेम ही सिनेरियो बन रही है, जितनी बातें ये मैंने यहाँ बताई है आपको या आपने रिलेट कर देंगे इस रेंच के साथ, यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के साथ रिलेट कर देना है। और एक और बात यहाँ पे वो ये लिखी हुई है कि हर दफा ये जो फोर्स होती है वो परपेंडिकुलर नहीं बन रही होती इस डिस्प्लेसमेंट के, तो हम जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होता है उसको एक्सटेंड कर देते हैं, उसके एक्सटेंड करने से हमें फायदा मिल जाता है कि हम उसको परपेंडिकुलर करा देते हैं, शो करवा देते हैं। इज इट क्लियर? लाइक अगर अभी ये हम इसको ऐसे करके मोड़ेंगे, इसको इस तरह करके मोड़ेंगे तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे अगर ये इस तरह मोड़ रहा है, फर्स्ट कर्व जो रेंच है यहाँ पे इस तरह मोड़ रहा है, तो हम जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है उसको क्या कर देंगे, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को इस तरह एक्सटेंड कर देंगे और डिस्प्लेसमेंट को इस तरह लिख देंगे, इस तरह कर देंगे। ठीक है, तो देखो अब भी क्या बन गया, परपेंडिकुलर, यहाँ पे हमने इसको क्या बना दिया, इजीली परपेंडिकुलर बना दी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को क्या कर दिया हमने एक्सटेंड करके, यहाँ पे हम इजीली इसको क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर एंगल दिखा देंगे यहाँ पे। ठीक है, वरना वो कर्व की तरफ जाने लग जाएगा, परपेंडिकुलर हम उसको शो नहीं करा पाएंगे, तो हम परपेंडिकुलर शो करवाने के लिए उसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को क्या कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। क्लियर? और एक और बात यहाँ पे याद रखना, ये हमेशा अपने क्या रहेगा, एक फिक्स पोजीशन पर ही रोटेट हो रहा होगा। ठीक है, जिस तरह अर्थ अपने एक फिक्स पोजीशन पे एक एक्सिस के रोटेशन पे क्या कर रही, मूव हो रही है। ठीक है, डन। अच्छा, अब मजीद हमारे पास दो टाइप्स है स्टूडेंट टॉर्क की। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप्स। हाँ ठीक है, टाइप्स सही रहेगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ टॉर्क। ठीक है, ये सही रहेगी हैंडलिंग इसके लिए। तो टाइप ऑफ टॉर्क में स्टूडेंट मेरे पास क्या क्या आ जाएगी, नंबर वन आ जाएगा मेरे पास क्लॉकवाइज आ जाएगा, यहाँ पे क्लॉकवाइज टॉर्क आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जो घड़ी की तरह हम अगर रोटेशन मूव कर रहे होंगे तो वो मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, और जो घड़ी की तरह नहीं हो रहा होगा मूव, लाइक अगर इस तरह एक चीज मूव हो रही है स्टूडेंट, नेट हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो इस तरह मूव हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज है ये वाला। डन। और अगर मैं फोर्स नेट इस तरह करके बंद ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहा है तो वो क्लॉकवाइज टॉर्क कहलाएगा। यानी कि अगर तो फोर्स एंटी क्लॉकवाइज लग रही होगी तो जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा स्टूडेंट वो मेरे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंटी क्लॉक होगा तो हमारे पास जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर क्लॉकवाइज होगा स्टूडेंट तो जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा मेरे पास क्या होगा, मेरे पास नेगेटिव होगा। इज इट क्लियर? ओके, हैशटैग पीस आउट। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में आगे पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।